इसलिए हम लोग मरना चाहते हैं। मारना तो मार दे, हमारे अभी ट्रैक्टर इतने बर्बाद कर रहे हैं, टायर फोड़ रहे हैं। अच्छा, टायर में पीछे न्यूज में देखे कि टायर में गोली मारी गई थी। हाँ, गोली मारा हुआ है, देखिए। देखिए यहाँ पे आंसू गैस के गोले से, गोले आंसू गैस के गोले से लगा है या फिर फायरिंग हुई थी उधर से? ना उधर उधर फायर हो रहा था ना, एक तो है ना थ्रू गैस मारते हैं, एक प्लास्टिक का गोली होता है, वो क्या करेगा जब टंगड़ी में या कहीं लगे बाजू में, बाजू सौ देगा, बाजू सौ जाता है, बाजू सौ जाता है। एक गोली वो है जिसमें आगे सरला निकलता है, उसने जख्मी किया है, और सलिया ओरिजिनल गोली 303 का चला हुआ है। वहाँ नेट बंद कर दे, कुछ कर ले, ड्रोनों इन लोगों छोड़ा था। हमारे लोगों में दिमाग है, भगवान ने दिया हुआ है। पतंग डागे जो पतंग चलाते ना बच्चा लोग, एक को गिरा लिया है, ड्रोन को गिरा गिरा लिया है। और भी रास्ते हैं हमारे पास, पर हम करना नहीं चाहते, किसके ऊपर करेंगे? और अभी हमारे बच्चे है, हमारी 70 साल की उम्र है, तुमने फौज का वर्दी पहना है, पुलिस का पहना हुआ है, तुम्हारे को हम डंडा मारेंगे या तुम्हारे को तलवार मारेंगे, क्या हमारी इंसानियत है? दो बैरिकेड रह गए, वो भी तोड़ देंगे आज। अच्छा, आप लोग वहाँ पे जाते हैं तो सिर्फ आंसू गैस के गोले ही दागते हैं या और कुछ उधर से लाठी चार्ज किया जाता है? लाठी चार्ज नहीं होता, गोली चलती है वहाँ से, बोल्ट गोली चलती है, जो गोली चला गोलियाँ चलती है, रावड़ दिया गोलियां चलती है, आंसू गैस के छोड़ते हैं, क्या क्या नहीं हम नहीं जानते क्या है। वो भी ऐसे ही पकड़ लिया था हाथ में, वो भी है हमारे पास। अच्छा, उधर से जब आंसू के गोले दागे तो इधर हाथ से पकड़ लिया, हाथ से पकड़ लिया था। हम खा रहे हैं, हम अपने अकेले पंजाब के लिए नहीं, हमने अपने अकेले घर के लिए नहीं झगड़ा कर रहे, हम पूरे भारतवर्ष के लिए कर रहे हैं। सरकार से कुछ बनी बात? सरकार चाहे मने चाहे ना मने, मना के जावांगे, वो ना मन बनाए ही, मन बनाए का डा के खिलावांगे गुरु गोबिंद सिंह दे संगमा, भावे सरकार सानू मार रही है, ही मार मर के भी मरांगे नहीं। मोदी नू ललकार के कहांगे ही अपने हक मंगदे आ, कोई अही बेहक हक नहीं मंगते, अपनी मेहनत का हक मंगते, लैके रहेंगे। मोदी जिन्ना चर मर्जी जोर लाता रहो, सानू मारता रहो, लताड़ता रहो, पिछों धर के साडा इतिहास दसदा, साडे गुरु साहिबां ने भी अपने बच्चे भी बलिदान उन्हों का भी दिता साडी खातर, अही क्यों छड़ के बह जाइए, साडे हक खो रहा जी। बताया जा रहा यहाँ पे आंसू गैस के गोले चलाए जा रहे हैं, वो भी एक्सपायरी डेट के। आप लोग समझ सकते हैं कि जो एक्सपायरी डेट होता है, कोई भी एक्सपायरी डेट अगर कोई भी चीज़ हो तो जहर के समान होती है। देखो उन्हें को गोलियाँ बंब चलाई जाता, चलाई जाए कि चेर चलाई जाऊगा, अं इसे तरह डटे रहोंगे। एक मिनट। हाँ भाजी, आप लोगों को पता होना चाहिए जो हिटलर था कहाँ पे पैदा हुआ था, जर्मन में, मरा कहाँ पे थे, रशिया में। आप लोगों को मालूम है कोर का असर क्या हुआ था? मोदी से डरने वाले नहीं है, जब रशिया में उसने गंदी राजनीति खेली थी तो उसने क्या किया, जो वहाँ के वर्कर थे, जैसे हम लोग के किसान इकट्ठे हुए, हिंदी में बोलोगे पंजाबी में बोल देते, हिंदी में बोलिए, हिंदी में जी। तो क्या हुआ, सफेद कलर का एक झंडा ले करके वो लोग ले गए, उसमें बच्चे बुजुर्ग बहन बहु बेटी सब लोग क्या जा करके बोल रहा था, क्या हम लोग 12 घंटे ड्यूटी करेंगे, 8 घंटे का पैसा लेंगे, लेकिन हम लोग को इतना बता दो हमारी ड्यूटी कितने बजे चालू होता है, कितने बजे ख़त्म होता है, 12 घंटे जॉब करके 12 घंटे हम अपने परिवार के अंदर रह सके। वो जब उनके जो घर में दरवाजा के सामने खड़े थे, उनका जो पेपर लिखा हुआ ले करके अंदर गए, वो बोलता ऐसे करो दो चार मार दो, दो चार जख्मी कर दो, अपने आप भाग जाएंगे। ऐसा किया, दो चार रात भी मर गए, दो चार जख्मी हो गए। एक छोटा बच्चा था कोई 6 महीने का, एक औरत ने ऐसे अपने गोदी में लिया था, एक गोली आके तो बच्चे के मुंडी में लग गया, यहाँ पे ना रशिया में। अच्छा, रशिया में जब वो मर गया तो उन्होंने क्या किया, जब जो इसी के ऊपर आऊँगा, उसने क्या किया, वो बोलते हैं कि जब हमारे बच्चे मार दिए तो फिर अभी पीछे नहीं हटना, लोग इकट्ठे होने चालू हो गए हजारों की गिनती में। अभी हिटलर क्या करेगा, हिटलर ने क्या किया, अपने आदमियों को बोला कि काम बहुत ख़राब हो गया, पंगा ले लिया, जैसे मोदी ने लिया हमारे साथ पंगा ले लिया। अच्छा, पीयूष गोयल, मैं खत्म कर रूँ, मोदी ने पंगा लिया हिटलर की तरह। तो उसने क्या किया, बोलता अंदर आ जाओ, अंदर से लॉक लगा लो, बेल्ट के लॉक लगा लिया, पैग छाग लगाना चालू कर दिया। वो जो वर्कर थे वो लोगों ने बाहर से लॉक लगा दिया, अभी हिटलर जाएगा कहाँ,
वो लोगों ने ऊपर से छत फाड़ करके मिट्टी का तेल गिरा के लकड़ी गिरा के जो लकड़ी की लबारी थी जो काज पत्थर थी जब उनको आग लगी गैस भर गया बहुत ज़्यादा धुआं धुआं हो गया। तो फिर अभी बाहर से लोग लगा हुआ निकलेगा किधर से ऐसी मौत भरा था वहाँ एक नारा बड़ा जो हिटलर चाल चलेगा वो हिटलर मौत भरेगा जो हिटलर शाही नहीं चलेगी हिटलर शाही नहीं चलेगी जो हिटलर का तरीका चलेगा उनका यही असर होगा जो उनका हुआ। मेरे पीछे, पीछे दो एक दिन पहले आए थे पीयूष गोयल जी, क्या बात उनसे हुई? नहीं वो तो आप देखिए भाई साहब बात तो बहुत होता है, हम भी आपसे बात कर रहे हैं, हम भी तुम भी मीडिया ले हो, इसमें चक्कर क्या है? दिखाने का खोज है खिलाने का खोज, जो हाथी के दांत होते हैं ना दिखाने के लिए और होता है खाने के लिए कुछ और होता है। जो हमारी सेंटर सरकार है हमारा भारतवर्ष है हमारा जो लोकतंत्र है उसको इन लोगों ने आज नहीं लाखों सालों से ये खलवार हुआ है। ये पंजाब जो है आज नहीं अब्दाली कितने वहाँ रंगजेब जैसे हो गए जुर्म करने वाले, हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो है ना ऐसे दो कष्ट चलते आए हैं और कष्ट चलते रहेंगे। क्या जो हम लोग पहले गए था तेरह दिन हम आंदोलन किया दिल्ली में सब होता रहा उसमें कुछ नहीं मिला सिर्फ खाली हाथ लौटने पड़ा। क्या हमारा तुम्हारा जो तीन कानून वादे तो सरकार ने किया था कि उसको वापस MSP को लेकर भी कुछ वादे किए गए थे लेकिन पूरे नहीं किए। बेटा बात तो बता दिया, वादा तो हम भी करते हैं आपसे कि आप लोग सड़कों में नहीं घूमोगे हम तुम्हारे को वहाँ ऑफिस बना देंगे तुम बैठ के सभी काम करो, पर जो तुम्हारे खाने के लिए जगह नहीं तो क्या करोगे? यही हमारी सरकार का, जब मैं तो सीधा बोल दिया कांग्रेस है काली है जहाँ BJP है जहाँ आम है कोई पार्टी भी है, इन लोगों ने देश का नहीं सोचा है, जो बचा रहा है वो भगवान बचा रहा है हमारे को। अभी आप लोगों की मांगे क्या क्या है? मांगे हमारा यही है स्वामीनाथन रिपोर्ट MSP 220 जो बिजली शोध बिल है वो है, जो हमारे गरीबों के ऊपर पर्चे किए हुए हैं पहले दिल्ली आंदोलन में उनके लिए, टैनी मिश्रा जय मिश्रा जो है लखीमपुर खीरी अपने पत्रकार को भी मीडिया ले को जो चार किसानों के बीच में मारा हुआ था गाड़ी चढ़ा कर किसानों के ऊपर जो मुकदमे हुए हैं उनको वापस लिया, कुछ नहीं दिया जो हमारे गया अभी ना ना कोई मशीनरी हमारी भी था वो भी जब्त है, अभी भी क्या हो रहा है बॉर्डर में। अच्छा पाजी एक चीज़ बताइए, आप लोग जाते हैं वहाँ पे तो उधर से जब गोली की बरसात करते हैं फिर आप लोग चोटी भी होते हो, चोट भी लगती होगी आप लोगों को? चोटों लगे हमारा सौ के करीब हमारा फटड़ हुआ है हमारा, तुम्हारा अभी जहाँ था मैं दिखा देता उसको जहाँ गांव में हम लोग हुआ। अब ये बताओ कि आप लोग पीछे हट गए, हम लोग भाग गया है, हमारे बड़े है परसों तक जितनी गोली चली जो कुछ हुआ। उधर देखो आइए इधर थोड़ा से बात कर लेते हैं, कल पाजी थोड़ा से बात कर सकते हैं? कल यहाँ पर ड्रोन से गोले बरसाए जा रहे थे, हाँ जी यहाँ पर कुछ लोग घायल भी हुए थे क्या? हाँ जी आप देखो आधे वीर जख्मी हुए हैं। पाजी दिखाइए, पाजी थोड़ा पैर दिखाइए, देखिए देखिए यहाँ पे आंसू गैस के गोले से आंसू गैस के गोले से लगा है या फिर फायरिंग हुई थी उधर से? ना उधर फायर हो रहा था ना, एक तो है ना थ्रू गैस मारते हैं, एक प्लास्ट का गोली होता है वो क्या करेगा जब टंगड़ी में या कहीं लगे बाजू में बाजू सौ देगा बाजू सौ जाता है बाजू सौ जाता है, एक गोली वो है जिसमें आगे सरला निकलता है उसने जख्मी किया है और सलिया रीजनल गोली 303 का चला हुआ है वहाँ। हम आपको बता दें ये हमारे देश के अन्नदाता हैं, देखिए किसान जो लोग कहते हैं कि वहाँ पे करोड़पति किसान है, देख लीजिए कहाँ से लग रहे हैं आप लोगों को करोड़पति, जो कमेंट में आके लिखते हैं कि करोड़पति किसान है इसलिए वहाँ बैठे हैं, वहाँ पे उनको बैठाया गया किसी पार्टी द्वारा विशेष बैठाया गया है, आप देख सकते हैं ये अगर जो इनकी मांगे हैं अगर वो मांगों को मान लेती है सरकार तो सिर्फ इनके ही हक में नहीं पूरे देश के लिए है वो, तो सिर्फ पंजाब के ही देखिए यहाँ पंजाब हरियाणा यहाँ के किसान गोली खा रहे हैं सरकार की बंदूकों से और ऊपर से जहरीली जो एक्सपायर डेट की होती है गोलियाँ उसको चलाई जा रही है, आप समझ सकते हैं जो एक्सपायर चीज़ें होती है वो जहर जहर बन जाती है, हो सकता है कि आँखों में लगे उसका काम है धुआं निकलना, धुएं से आँख में जलन होती है और लोग इधर तितर बितर करने के लिए वो आंसू गैस के गोले चलाए जाते हैं, लेकिन अगर वो एक्सपायर है तो उस समय अगर आँखों में पड़ता हो सकता है कि आँख खराब भी हो सकती है, तो एक्सपायर गोलियाँ क्यों चलाई जा रही है? इसमें बात यह है पंजाब अकेले का नहीं है, नहीं रहने का है, ये पूरे भारतवर्ष का है, जो बिहार में अभी लोग
अनाज लेके रोड में बैठते, कोई दो क्विंटल कोई चार क्विंटल वो बिक्री हो रहा था। हम खा रहे हैं, हम अपने केले पंजाब के लिए नहीं, हमने अपने केले घर के लिए नहीं झगड़ा कर रहे, हम पूरे भारतवर्ष के लिए कर रहे हैं। वही बात तो हम कहें पाजी कि पूरे भारतवासी के लिए आप लोग लड़ रहे हैं। क्या हमारे घर में सब कुछ है? अभी दो रोज आना है, वो देख लो कपड़ा। क्या हमारा दिल चाहता ना है घर में बैठे आराम से? पैसा है, जमीन है, हर चीज है, पर जब इधर चढ़ते सूरज देखते हैं ना बिहार बंगाल, हम ड्राइवर लोग हैं, उधर क्या हालत है। इसलिए हम लोग मरना चाहते हैं, मारना तो मार दे। हमारे अभी ट्रैक्टर इतने बर्बाद कर रहे हैं, टायर फोड़ रहे हैं। अच्छा, टायर में पीछे न्यूज में देखे कि टायर में गोली मारी गई थी। हाँ, गोली मारा हुआ है। हो सकता है उसमें जो ड्राइवर थे उनको लग जाती तो लगती तो उनको क्या मतलब है? जैसे हम लोग लगी है सबको है। बहुत आदमी फटेड है, इंजर्ड है, कितने जाते हैं यहीं अपना। अच्छा जी, जो ये खबरों में दिखाई जा रही कि काफी किसान भी कुछ घायल हुए हैं और जवान भी घायल हुए हैं, ये सही बात है? जवान नहीं घायल हुआ कोई, बिल्कुल गलत है। तुम लोग आप जहाँ रफे लगे बैठे हो, हम लोग हमारे हाथ में डंडा भी नहीं है, हमारे हाथ में डंडा भी नहीं, ऐसे साधे जा रहे हैं। यानी किसान तो घायल हुए हैं, लेकिन जो जवानों की बातें की जा रही है, जवान भर्ती हुए। हम बता देते हैं ना, हरियाणा में सरदार एक पकड़ा हुआ है जो पुलिस वाला किसान का कपड़ा डालकर पत्थर मारे उनको, हमारे को नहीं उनको मारा पत्थर, वो पकड़ के हम लोगों ने ट्रॉली में बिठाया था, उनका पूरा CID कार्ड दिया हुआ है। ये जो हमारा चैनल सही है भारतवर्ष का, वो तो हमारी बात सुनता है, देता है। जो गोदी मीडिया है बिक्री हो रहा है, वो हमारी बात सुन लेगा। पाजी, यहाँ से कैसे खबर कोई पहुँचा? यहाँ के सारी एरिया का नेटवर्क बंद कर दिया गया, हम लोग कितनी समस्या हुई आने में यहाँ पे। कोई मुश्किल नहीं है, जो तुम्हारे पास है आपके पास है ना, आज नहीं तो कल सच्चाई जो तो सामने आती है वो तो आएगी, है ना? बिल्कुल। नेट बंद कर दे, कुछ कर ले, ड्रोन इन लोगों छोड़ा था। हमारे लोगों में दिमाग है, भगवान ने दिया हुआ है। पतंग डागे जो पतंग चलाते ना बच्चा लोग, एक को गिरा लिया है, ड्रोन को गिरा दिया, गिरा लिया है। हाँ। और भी रास्ते हैं हमारे पास, पर हम करना नहीं चाहते, किसके ऊपर करेंगे? और अभी हमारे बच्चे है, हमारी 70 साल की उम्र है, तुमने फौज का वर्दी पहना है, पुलिस का पहना हुआ है, तुम्हारे को हम डंडा मारेंगे या तुम्हारे को तलवार मारेंगे, क्या हमारी इंसानियत है? पर जे तुम लोग 30-40 हज़ार 50 हज़ार रुपया रह रहे हो, तो आपको शर्म चाहिए, बच्चे तो हमारे ही हो। जब घर में आओगे क्या तुम्हारे को हम बख्शेंगे? मेरा लड़का फौज में जी, आप लोग इधर से खाने भी भेजवाते हैं उधर? हाँ जी, पुलिस वालों के लिए खाने भी भेजवाते हैं। खाते हैं, पुलिस खाती है, हमारे साथ बैठते हैं, हमारे साथ बैठते हैं, सिर्फ हमारी पुलिस को ऑर्डर है कि नहीं कुछ करने का। आपको गोली मार रहे हैं और आप खाना खिला रहे हैं? हाँ, चाहिए ना। देखिए, ये हमारे देश के अन्नदाता हैं, एक तरफ से गोलियों की बौछार होती है, फिर भी ये लोग उनके लिए खाना भेजते हैं। गुरु गोविंद सिंह जो था ना, किले में नंदपुर साहब में जंग हो रहा था, उसमें एक आदमी था, उसको उन लोगों ने बोला कि तुम लोग ऐसा करो, मल्लम पट्टी और पानी दो। वो जो दुश्मन भी देखता ना, उनको पट्टी करता पानी पिला रहा था। ये हर इंसान का फर्ज है, हम ये नहीं जानते हिंदू कौन है, मुसलमान कौन है, ईसाई कौन है, या कोई धर्म की बात नहीं है, सभी एक है। अल्लाह नूर साहब ने पाया, कुदरत के सब बंदे एक सब जगह सब को भले बंदे, ठीक है। आइए आइए, आपको इधर थोड़ा दिखाते हैं। देखिए, यहाँ पे अभी सुबह सुबह का समय है और यहाँ पे चाय नाश्ता हो रहा है किसानों के द्वारा, और ठीक है आपके इंतजाम बढ़िया है। देखिए, यहाँ पे खाने की व्यवस्था की जा रही है किसानों के लिए, और यहाँ से खाना ये किसान खुद खाते हैं और जवानों के लिए भी यहाँ से भेजा जाता है खाना। हम आपको एक बता दें कि देखिए, उद्योगपतियों के करीब 12 से 13 लाख करोड़ रुपए माफ़ कर दिए गए, लेकिन 2 लाख करोड़ रुपए किसानों के माफ़ क्यों नहीं कर सकती सरकार, सोचने वाली बात है। पाजी, क्या तैयारी है आज की? सानू नहीं वीरे पता, क्यों अगे मुखी बंदे जड़े मेन उन्होंने भी पता जो करना उन्ना करना, क्यों ऐसी गलत कल भी फायरिंग इधर से हो रही कोई वीरे गलत बयान है कि नहीं, सानू पता जानकारी जड़े साढ़े सीनियर बंदे उन्होंने भी पता। अच्छा, ये वहाँ पे उधर जाने के बाद ही उधर जाने के पत गए। आइए हम थोड़ा सा आपको दिखा देते हैं, इधर किसानों के ट्रैक्टर भी दिखा देते हैं आपको। हाँ, उनका गोला भी पकड़ लिया था, एक छोटा सा गोला भी जिंदा है एक लड़के के पास यहीं पर है, छोटा वो भी दिखा सकते हैं आपको गोला। हाँ, वो जो आंसू गैस के छोड़ते हैं, क्या नहीं हम नहीं जानते क्या है। हाँ, हाँ। वो भी ऐसे ही पकड़ लिया था हाथ में, वो भी है हमारे पास। अच्छा, उधर से जब आंसू के गोले दागे तो इधर हाथ से पकड़ लिया, हाथ से पकड़ लिया था क्या है, ये लड़का है उसके पास है यहीं कहीं, पता नहीं। दिखा देंगे आपको, दिखा भी देंगे हम। अच्छा अच्छा,
ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੰਬ ਡੇਗਦੇ ਨੇ ਉੱਤੋਂ ਬੰਬ ਡੇਗਦੇ ਨੇ ਨਾ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੱਚਦੀ ਹੈ ਨੱਚਦੀ ਵੀ ਡੇਗੋ ਡੇਗੋ ਕੱਲ ਆਪ ਲੋਕ ਡਰੋਨ ਸੇ ਜੋ ਗਿਰਾ ਰਹੇ ਥੇ ਉਸਕੋ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪ ਲੋਗ ਨੇ ਗਿਰਾ ਹਾਂ ਪਤੰਗ ਨਾਲ ਪਤੰਗ ਨਾਲ ਪਤੰਗ ਨਾਲ ਦੇਖਤਾ ਸੀ ਨੇ ਪਤੰਗ ਸੇ ਪਤੰਗ ਸੇ ਗਿਰ ਪਤੰਗ ਸੇ ਆਪ ਲੋਗ ਨੇ ਡਰੋਨ ਕੋ ਗਿਰਾ ਦਿਆ ਗਿਰਾ ਦੀ ਗਿਰਾ ਦਿਆ ਅੱਛਾ ਬਤਾ ਰਹੇ ਕਿ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਘਾਇਲ ਵੀ ਯਹਾਂ ਪੇ ਹੋਏ ਹੈ ਬਹੁਤ ਘਾਇਲ ਹੋਏ ਹੈ 200 ਬੰਦਾ ਕਰੀਬ ਘਾਇਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਯਹਾਂ ਪਰ अभी देखिए अगर नहीं मानती सरकार तो फिर आप लोगों का क्या पहल रहेगा आगे मानेगी सरकार हम दिल्ली जाएंगे नहीं फिर पक्का मोर्चा लगाएंगे वहां पर जाकर दिल्ली जाएंगे जरूर जाएंगे जरूर जाएंगे देखो जी सीधा तड़की उठे हुण चाह पीवांगे चाह पी के दोबारे उसी बॉर्डर ते जावांगे जी प्रबंध पूरा साडी कौम इन्हां नूं रजाउंदी आ देखा साडा के खाना खांदे ने साडे ते बंब डिगदे ने एडे एडे बंब गोलियां चलाउंदे ने पहले बताया देखिए हमारे देश के अन्नदाता है उधर से फायरिंग होती है गोले बरसाए जाते हैं लेकिन इधर से हाँ कैसा हो बोलिए सर एक मिनट खड़ जा बम ले आके दिखा रहे हैं तुमको ये आदमी अभी आप लोग वहाँ के कुछ बैरिकेड भी तोड़ दिए हैं हाँ थोड़े रह गए बैरिकेड तोड़ दिए सारे दो बैरिकेड रह गए वो भी तोड़ देंगे आज अच्छा आप लोग वहाँ पे जाते हैं तो सिर्फ आंसू गैस के गोले ही दागते हैं या और कुछ उधर से लाठी चार्ज किया जाता है लाठी चार्ज नहीं होता गोली चलती है वहाँ से बोल्ट गोली चलती है जो गोली चला हाँ गोलियाँ चलती हैं रबड़ दिया गोलियाँ चलती हैं एस आर की गोली भी चलती है वहाँ से अब वहाँ खोल भी है मीडिया के पास वहाँ मीडिया के पास सारे प्रूफ है लोगों के पास गोली भी चलती है वहाँ से आंसू गैस के गोले दागते होंगे फिर आंख में जलन होती होगी परेशानी भी होती होगी हमारे पास है हर वक्त होते हैं मुसीबतों के बीच में किसान यहाँ पे डटे हुए हैं और मोर्चा संभाले हुए हैं कि हम दिल्ली कूच करेंगे सरकार अगर हमारी बात नहीं मानती तो हम दिल्ली जाएंगे देखो जी। और अब हम बने ये देखिए आर्मी को लौट नहीं है ये बात डेट डेट देखिए डेट डेट भी टप्पी हुई एक्सपायर डेट देख दे नहीं 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 ये आंसू के आंसू गैस के गोले हैं आंसू गोले हैं आंसू गैस के गोले ये चीज बचती है ना ये फाड़ती है जब बंदे के बज गई इसमें दिखाई नहीं दे रहा डेट डेट इसका हाँ, डेट हाँ, लेकिन हमने चैनलों पे देखा काफी 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 चैनलों में देखा 135 to 150 meters तक का मार करता है हाँ 135 to 150 meters तक है इसपे ये ऐसे ना सर ऊपर से आप इधर आ जाइए तब कैमरे में आएंगे आप हाँ बताइए ऊपर से आ रहा था इसको लीजिए ऊपर से आ रहा था ना हम दो बंदे थे हम दोनों बंदे को बुरी थी हमारे साथ साथ उन्हें दूसरे ने एक ने सीटा तो ऐसे बुरी कर लिया जी तो नीचे जाता फिर तो यह नीचे गिर के फूट जाता चल जाता ये भी सांभ लिया एक और आया दूसरा वो भी ऐसे बुरी से सांभ लिया पाजी अगर सरकार आप लोगों की बातें नहीं मानती है तो अगला कदम क्या होगा अगला ये फिर नाके तोड़ के चलेंगे फिर नाके तोड़ के मन मन का कम तो हो ही जाएगी फिर गोली चलावे सरकार सानू कोई परवाह नहीं गोली चला दे गोलियां चलाइयां ने कल एक होर कल चलाइयां ने जद आ मुक गए ना उनको जदों ये बंब ए आउंदा है ओदा जदों ये थल्ले बड़क के बंदे दी कहदे ऐ बजदा ना जी कल मैं उठी दीगा जदों मुरले ओदो बाबे दे बजे जी एक दे उरे एडा हो करता जी ओदा हां बाबे दे बजे मेरे सामने मेरे लवों दी नाके जदों बड़क के बजदा बंदे ओदों भी बहुत दुख लाउंदा ये कोई ऐ नहीं हैगा भी उठी हो करदा हां जखम एक गैनी जी हल्ले लवे खड़े दे दोहे बाहां इधरों इन्ने ने पहाड़ियां पई रही इन्नी गंदी गैस है दे विच बस जे आपां उरे खड़े आ तां सारे भाषम आ बस मैं कहना भी कोई जो रब दा रूप अड्डे ने जी पित्तल दे पित्तल दे दो अड्डे जी ओ पित्तल उदे बजदे ने जी छाती पाड़ बंदे दा हाल आ देखो हां देखो ये लाने गोदी मीडिया ने ये हां जी बहुत औखा हो रहा है जी किसान ने मंगा कि देने किसान देंगे गोले देखिए ये आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं हमारे देश के अन्नदाता पर ये और वो भी एक्सपायर इसकी धुआं कितनी जहरीली होती है और अगर एक्सपायर है तो लोगों की आंखें भी खराब हो सकती हैं इससे जो असी कमा के अन्नदाता हैं ठीक है इनको कमा के हम जो कमाएंगे पंजाब में चलो खेती होती है फसल होती है कणक होती है अन्नदाता हम इनके ये हमारे पे ये काम करते हैं
सोचने वाली बात यही सोचने है। वाली हम हमारे सिर पे रोटी खाते हैं, आप एक काम करते हैं हमारे पे। और फिर इनकी जो मांगे हैं एमएसपी और जो भी इनकी मांगे वो पूरे देश के लिए मांगे हैं, सिर्फ इनके लिए थोड़ी ना मांगे हैं, ये तो सबके लिए मांग रहे हैं। सबका कोई गरीब है, कोई को कुछ है, सबके लिए कर रहे हैं हम लोग। हम अपने लिए नहीं कर रहे हैं भी, हम हमारे ही काम लौट हुए ना, हम सबके लिए कर रहे हैं। ठीक है पाजी, अभी आते हैं और कवर करते हैं, थोड़ा दिखाते हैं इधर आके। आप देख सकते हैं पीछे तकरीबन 1 से 2 किलोमीटर ऐसे ट्रैक्टर ट्रालियों के 5 किलोमीटर पाजी इधर थोड़ा से आइए, ऐसे कतार में खड़े हुए हैं और कैंप बनाया गया अंदर, इसमें किसान रात में रहते हैं और यहाँ खाते पीते हैं। हाँ पाजी क्या कह रहे थे? ये तो बहुत हजूम है, जनता जितना बोलेगा ना मोदी दबाएगा भी, जनता को दबा लेगा, तानाशाही कर रहा है, जितना जोर है वो लगा रहा है अपना, लगा ले। एक एडा बॉर्डर है पाकिस्तान, ये तो इजराइल जैसा सिस्टम बना दिया इसने, इतने गोले दागे, इतना इंसानियत को ख़त्म करना चाह रहा है, पर ऐसी इंसानियत ख़त्म नहीं हो। ऐसे गोले दाग रहे हैं जैसे लगता है कि पाकिस्तान से लोग जा रहे हैं दिल्ली। ऐसी है, ऐसी है, इतनी बैरिगेटिंग करी गई है, कितना बड़ा किया है, बहुत यानी कि तानाशाही कर रहा है। इंसानियत जो अपना हक मांगने जा रहा है उसको शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसको भी करने नहीं दे रहे। आज तीसरा दिन है आंदोलन का, 13-14 आज 15 तारीख है। आज क्या कुछ कल कुछ बातें हुई उधर से सरकार की तरफ से, कुछ पहल की गई कि नहीं? नहीं कुछ नहीं निकला, मीटिंग बुलाया था उसने, उसमें कुछ नहीं निकला है। तो फिर आज क्या प्लान है? आज भी जो मीटिंग का रखा है टाइम, अगर बात नहीं बनती है तो फिर आगे जो रणनीति होगी सारे जथेबंदियों की, कुछ करेंगे हम दिल्ली करेंगे, कुछ तो करेंगे, करना पड़ेगा। जब कॉल दी है, जब बंदा इतना हजूम आया है, अभी तो जो यूथ है ना वो उसके लीडरों के अंडर में है, फिर जो आप हमारे हो गए या कोई हो होएगा तो वो सरकार जिम्मेवार होगी। जो भी जो यूथ है अभी तो कंट्रोल में स्थिति सारी है, फिर बाद में प्रधानों को कहेंगे ऐसे हो गया, फलाना हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो फिर उनके बस का बात नहीं रहेगा, क्यों जो सरकार लारे लप्पे ला रहा है कोई रिजल्ट नहीं दे रहा है, कोई रिजल्ट देगा तो इतनी की बड़ी बात क्या है जो उसको दिक्कत है। ये इधर कितनी दूरी तक ट्रैक्टर का ऐसे कतार? 4-5 किलोमीटर पीछे में है और इधर में 4-5 इधर में है, 8-9 किलोमीटर से ज़्यादा होगा। अभी इधर बॉर्डर कितना दूरी है? बॉर्डर 4 किलोमीटर होगा, 3-4 किलोमीटर, मतलब यहाँ करीब 8-9 किलोमीटर रेंज में पूरा ट्रैक्टर और सारे किसान यहाँ पे मौजूद है। है एक सिंगल नहीं है भी, एक एक ट्रैली है भी, ऐसे हो जाएगा। जैसे एक सिंगल ट्रैली करेंगे ना तो फतेहगढ़ साहब भी टपेगा। अभी आगे चुनाव भी है, चुनाव में क्या है, चुनाव में तो उसको मुंह की खानी पड़ेगी, वोट पाएगा तो ही बनेगा ना। वो ऐसे थोड़ा ईवीएम में भी गड़बड़ी कर लिया, पहले भी इसने ऐसे किया, अब भी ऐसे चलेगा भी, अपनी मनमानी थोड़ा चलेगी, सच्चाई को कभी नहीं छुपेगी, वो जितना मर्जी जोर लगा ले वो नहीं छुपेगी। किसानों का कहना है कि सरकार अगर हमारी बातें नहीं मानती है तो हम कूच करेंगे और दिल्ली जाएंगे अपनी बातों को मनवाने के लिए। जो इनकी मांगे हैं एमएसपी को लेकर और स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लेकर जो मांगे हैं, अगर नहीं मानेगी सरकार तो हम जाएंगे। अब देखिए आगे क्या होता है, आज आंदोलन का तीसरा दिन है। बाकी आप सभी लोग बने रहिएगा, हम लगातार यहाँ की अपडेट आपको देते रहेंगे। आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। केडर न्यूज़ है अपना।